प्रेरणा कथा अंधा मोड़। उस दिन ऊटी में काफ़ी बारिश हो रही थी। मुझे अपने फार्म हाउस पहुंचना था। मैं बहुत ही संभल कर कार चला रहा था। मैं ये भी ध्यान रख रहा था कि कहीं आगे भूस्खलन होने का कोई मौका तो नहीं था। एक ऐसा मोड़ आया जहां पर रुक पर पहले हॉर्न बजाना पड़ता था, सिर्फ ये जानने के लिए कि उधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही थी। जब मैं उस मोड़ के पास पहुंचा, मैंने कार रोक दी, परंतु मुझे दूसरी तरफ से किसी भी गाड़ी के हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने देखा कि मेरे सामने कुछ ही दूरी पर कुमार खड़ा था। कुमार लगभग पूरी तरह से अंधा ही है। वो पास के एक गांव में रहता है। मैं कुमार को कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने एक बार मेरी बेटी की जान बचाई थी। कुमार जन्म से अंधा नहीं था। जब वो लगभग 14 वर्ष का था, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसने कुछ ही दिनों में लगभग अपनी 90% रोशनी खो दी थी। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उन दिनों वो एक बोटैनिकल गार्डन में काम करता था। मेरी पत्नी बीमार थी और घर पर आराम कर रही थी। मैं उस दिन अपनी बेटी को उस गार्डन में घुमाने ले गया था। मेरी बेटी के जन्म के बाद से ही मेरी पत्नी बीमार रहने लगी थी। मैं गार्डन में बैठा अपनी पत्नी और अपने खूबसूरत क्षणों के बारे में सोच रहा था। अचानक मैंने देखा कि मेरी बेटी बगीचे में मेरे पास नहीं थी। मैं उठकर उसको इधर उधर खोजने लगा। अचानक मैं एक जगह पर रुक गया। मैं बुरी तरह भयभीत हो गया। मैंने देखा कि एक लड़का मेरी बेटी को कुछ आवारा कुत्तों से बचा रहा था। कुत्तों ने उस लड़के को कई जगह पर काट लिया था। तभी कुछ लोगों ने पत्थर मारकर कुत्तों को भगा दिया। मैं दौड़कर उस लड़के के पास गया। उसने मेरी बेटी को अपनी गोदी में उठा रखा था। उसका नाम कुमार था। मैंने अपनी बेटी को उससे ले लिया। मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ ही क्षणों में कुमार बेहोश होकर नीचे गिर गया। हम उसको जल्दी से अस्पताल ले गए। वो 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहा। उस दौरान मैंने उसकी बहुत देखभाल की। ठीक होने के बाद वो अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घर चला गया। जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धन्यवाद कहा। लेकिन मैंने उसको कहा कि धन्यवाद तो मुझको कहना चाहिए था, क्योंकि उसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। मैंने उसको कहा कि अगर उसको मदद चाहिए हो तो मुझे मिल ले। उस मोड़ पर अपनी कार से कुछ दूरी पर कुमार को देखते ही यही सब दृश्य मेरी आंखों में घूम गए थे। मैं कार से बाहर निकला और कुमार की तरफ चल दिया। उस समय कुमार लगभग 20 वर्ष का था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो हिला नहीं। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ कुमार, यहाँ कैसे खड़े हो? उसने मेरे हाथ को छूकर मुझे पहचाना और उसके बाद बिना कुछ बोले ही रोने लगा। मैं उसको पूछता ही रह गया कि क्या हुआ था। आखिर उसने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ वहीं पर घूम रहा था। अचानक उसने एक कार के रुकने की आवाज़ सुनी थी, पर उसके बाद वो कार और उसकी पत्नी दोनों ही गायब हो गए थे। कुमार ने कहा, मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, ना जाने मेरी पत्नी कहाँ गई। मैं उसका हाथ पकड़कर अपनी कार के पास ले आया। मैंने उसको कार के अंदर बिठाकर कहा, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारी पत्नी को खोजता हूँ। मैंने कार को एक सुरक्षित स्थान पर पार्क कर दिया। अचानक उसने मुझसे कहा, सर मेरी पत्नी गूंगी और बहरी है, आप ये चाबी ले जाइए, वो आपको नहीं जानती है। जब आप उसको ये हमारे घर की चाबी दिखाएंगे तो वो आपके साथ आ जाएगी। ये मेरी फोटो भी ले जाइए। इस फोटो में जो औरत मेरे साथ है वो मेरी पत्नी है। मैंने चाबी और फोटो ले लिए और चल दिया। बरसात अभी भी हो रही थी और अंधेरा भी होने लगा था। मैं पहाड़ पर इधर उधर खोजने लगा। अचानक मैंने देखा कि एक लड़की एक पेड़ के नीचे पड़ी थी। मैं उसको देखते ही पहचान गया कि वो कुमार की पत्नी थी, परंतु मैं उसको ज़्यादा देर तक देख नहीं सका, क्योंकि वो पूरी तरह निर्वस्त्र थी। वो जमीन पर चुपचाप पड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद कुछ जंगली जानवर उसको यहाँ खींच लाए थे, परंतु फिर मैंने सोचा कि वो नग्न क्यों थी। मैंने तुरंत ही निष्कर्ष निकाला कि वो जानवर नहीं, इंसान ही थे जो उसको वहाँ लाए थे। उन्होंने उसके साथ शायद कई बार बलात्कार किया था और फिर उसको वहीं छोड़कर चले गए थे। मैंने उसको अपनी बाहों में उठा लिया, परंतु
तभी उसने मेरे साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं भी उसने सोचा कि मैं भी उन जानवरों में से एक था जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। मैंने तुरंत ही उसको नीचे रख दिया और उसको वो चाबी और फोटो दिखा दी। मैंने उसको अपनी जैकेट पहना दी, वो बेहोश हो गई। मैं उसको किसी तरह उठाकर अपनी कार तक ले आया। मैंने उसको पिछली सीट पर लेटा दिया। कुमार चिंतित होकर उसको बारे में पूछने लगा। बेचारा देख तो नहीं सकता था, वो सिर्फ आवाज़ें ही सुन रहा था। मैंने कुमार के पास आगे की सीट पर बैठकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने उसको झूठ बोल दिया कि उसकी पत्नी एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गई थी। कुमार अपनी पत्नी को छूकर देखना चाहता था पर मैंने उसको रोक दिया। मैं कार को अस्पताल ले गया। डॉक्टर मेरी पत्नी का मित्र था। मैंने कुमार को बाहर ही बिठा दिया और उसकी पत्नी को अंदर ले गया। वो अब तक बेहोश ही थी। मैंने डॉक्टर को बताया कि क्या हुआ था उसके साथ। मैंने उस लेडी डॉक्टर से कहा, ये सब आप किसी को मत बताइएगा, उसके पति कुमार को तो बिल्कुल मत बताइएगा कि उसकी पत्नी के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया था। डॉक्टर ने उसका इलाज तो करना शुरू कर दिया पर मुझे बताया कि उस लड़की के साथ बहुत ही बर्बरता हुई थी। मैंने डॉक्टर के को बताया कि उसका पति कुमार अंधा था और उसकी पत्नी गूंगी और बहरी। मैंने कहा कि मैं उन दोनों की देखभाल करूँगा। मैंने डॉक्टर को कहा कि अगर ज़रूरत हो तो वो मुझे घर पर फ़ोन कर लें। कुछ दिनों के इलाज के बाद मैं उनको लेकर अपने फार्म हाउस हो गया। एक दिन पहले ही मेरी पत्नी का भी निधन हो गया था। मैं तो वैसे शोक में डूबा हुआ था और अब उन दोनों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन दोनों से कहा, अब तुम लोग यहीं मेरे फार्म हाउस पर रहोगे, मैं तुम दोनों को काम दूंगा, तुम लोग मेरी बेटी की देखभाल करोगे। मेरी बेटी कुमार को तुरंत ही पहचान गई और उन दोनों से घुल मिल गई। वो दोनों मेरे घर के पीछे ही एक कमरे में रहने लगे। कुमार की पत्नी रात को कभी कभी चीख पड़ती थी। मैं एक दिन कुमार को अपने साथ लेकर मद्रास गया और वहाँ उसकी आंखों का परीक्षण करवाया। डॉक्टर ने बताया कि एक ऑपरेशन से उसकी आंखें ठीक हो सकती थी। हम कुछ दिनों तक मद्रास में रहे और उसका सफल ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मैंने उसकी पत्नी को के कानों का भी उपचार करवाया और उसको एक सुनने की मशीन लगवा दी। कुछ दिनों के बाद जब कुमार की आंखों की पट्टी खुलनी थी, उसको धीरे धीरे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसने मुझे और मेरी बेटी को पहचान लिया। उसने अपनी पत्नी को भी पहली बार देखा। दोनों एक दूसरे की बाहों में रोने लगे। कुमार और उसकी पत्नी ने ऊटी में मेरे घर की देखभाल करनी शुरू कर दी और मैं फिर से बिजनेस में लग गया। सर्दियां शुरू हो गई थी। कुमार की पत्नी और मैं कार से शहर पहुंचे। मुझे सर्दियों के लिए खाने का सामान और अन्य बहुत सी चीज़ें खरीदनी थी। मैं जल्दी से सामान लेकर ऊटी वापस पहुँच जाना चाहता था क्योंकि बरसात होने लगी थी और भूस्खलन का खतरा था। अगर भूस्खलन हो गया तो हम दो तीन दिनों तक घर नहीं पहुंच सकते थे। हम लोग सामान को कार में भरकर फार्म हाउस की तरफ चल दिए। जैसे ही हम अंधे मोड़ पर पहुंचे, मैं कार रोककर हॉर्न बजाने ही वाला था परंतु उसके पहले ही मुझे दूसरी तरफ से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कार रोक दी। अचानक मैंने देखा कि सामने सड़क पर एक चट्टान गिरी। सामने से आती हुई कार 4,000 फीट नीचे खाई में जा गिरी। वो एक बड़ी सी सफ़ेद कार थी। तभी और भी चट्टानें गिरने लगी। मैंने जल्दी से अपनी कार को पीछे की तरफ चलाना शुरू कर दिया। मैं सुरक्षित स्थान पर कार को ले गया। किसी तरह जब रास्ता साफ हुआ, मैं कार लेकर घर पहुंच गया। 3 दिनों तक बहुत बारिश होती रही। सरकार ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने का आदेश दे दिया था। ना तो बत्ती थी और ना ही इंटरनेट काम कर रहा था। जब कुछ दिनों के बाद सब सामान्य हो गया, मैं और कुमार की पत्नी फिर से सामान लेने के लिए शहर गए। मैं समाचार पत्रों में चट्टान से गिरने वाली कार के बारे में समाचार खोजने लगा। जब हम लोग वापस आ रहे थे, मैंने एक सफ़ेद क्षतिग्रस्त कार को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े देखा। मैं इंस्पेक्टर दोस्त के साथ उस अस्पताल में पहुंच गया जहां मरे हुए लोगों की लाशें थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि मरे हुए लोगों में से मेरे क्षेत्र का कोई भी नहीं था। मरने वाले नौजवान मद्रास के बहुत ही अमीर परिवारों से थे। सभी ने शराब पी रखी थी उस दिन कार में। कुछ तो घायल हुए थे परंतु उनको जंगली जानवरों ने मार दिया था। जब इंस्पेक्टर मुझे उस दुर्घटना के बारे में बता रहा था, कुमार की पत्नी भी लाशों वाले कमरे के अंदर आ गई। वो भी उन लाशों को देखने लगी। वो रोने लगी और कमरे से बाहर भाग गई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में तो आंसू थे परंतु उसके होठों पर मुस्कान थी। मैं इंस्पेक्टर से
बात करना ही चाहता था, परंतु तभी एक पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर को बाहर बुला लिया। अचानक कुमार की पत्नी ने मेरा हाथ थाम लिया, वो मुझे खींचकर कार की तरफ ले गई। मैं नहीं समझ पाया कि कुमार की पत्नी को अचानक क्या हो गया था, पर हम लोग कार में बैठकर फिर से फार्म हाउस की तरफ चल दिए। कुमार की पत्नी पूरे रास्ते ही खुश दिखी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। जैसे ही हम उस अंधे मोड़ पर पहुंचे, उसका चेहरा खिल उठा। तभी मैंने महसूस किया कि वो मुस्कुराई थी। मोड़ को पार करने के बाद मुझे अचानक एक ख्याल आया। कुमार की पत्नी सफेद कार वाले लड़कों की लाशों को देखकर पहली बार मुस्कुराई थी। सब समझ में आ गया। वो तो बदला नहीं ले सकी थी, परंतु भगवान ने उन चारों पापियों से बदला ले लिया था। मित्रों, ऊपर वाला सब देख रहा होता है। कोई कितना भी किसी पर अन्याय कर ले, उसको अपने कर्मों का फल इसी जीवन में, इसी पृथ्वी में मिल जाता है। हाँ, थोड़ी देर अवश्य हो सकती है। बुरा करके कोई भी अच्छे के फल नहीं खा सकता है, उसको बुरा ही बदले में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।